हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटक बैंक के एक को ब्रांडेड डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि है इन पार्टनरशिप विद पीवीआर। इस डेबिट कार्ड का नाम है कोटक पीवीआर डेबिट कार्ड। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी डेबिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम बात करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये डेबिट कार्ड आपके लिए बेनिफिट फीचर है भी या नहीं। और अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो आप उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एज अ ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। इस डेबिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो जीरो है। वही अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें, जो कि हर साल आपको पे करना पड़ेगा, तो वो है यहाँ पे 499 रुपीस प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है वो है ज्वाइनिंग बेनिफिट। अब जैसे ही इस कार्ड को लेते हो, यहाँ पे आपको जो ज्वाइनिंग गिफ्ट दिया जाता है पीवीआर का फूड एंड बेवरेजेस का वाउचर वर्थ रुपीस 500 का। और आपको इस कार्ड में सिर्फ ज्वाइनिंग बेनिफिट ही नहीं मिलता है, आप एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे आपको एनिवर्सरी बेनिफिट भी मिलता है। जैसे ही आपके डेबिट कार्ड का एक साल पूरा हो जाता है और आप अपने कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो पे कर देते हो, यहाँ पे आपको वापस से दिया जाता है 200 रुपीस का वाउचर पीवीआर के फूड एंड बेवरेजेस का। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है हायर विड्रॉल लिमिट एंड परचेजिंग लिमिट। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक दिन में 1,00,000 रुपए तक का जो कैश है वो आप विड्रॉ करा पाओगे। वही अगर हम डेली परचेजिंग लिमिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कहीं पर भी शॉपिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे आप एक दिन में 3,00,000 रुपए तक का जो परचेजिंग है वो आप कर पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो किसी भी पेट्रोल पंप से तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 30,000 रुपीस तक का। मतलब कि अगर आपका फ्यूलिंग अमाउंट है वो 30,000 से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वहां पे आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ नहीं मिलेगा। अगर आप एक मंथ में मैक्सिमम 30,000 रुपीस तक का फ्यूलिंग कराते हो तो आपको 2.5% तक का जो वेव ऑफ है वो आपको मिल जाएगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की बात करें तो ये आपके डेबिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलता है लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगा 3,50,000 रुपीज तक का। लेकिन इस कवरेज को लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगा 3,50,000 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहाँ पे हर बार डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने डेबिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना हर बार आपको वहाँ पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने डेबिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको इस डेबिट कार्ड में बहुत सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको मिलता है परचेज प्रोटेक्शन लिमिट ऑफ ₹1,00,000 का, लॉस्ट बैगेज इंश्योरेंस ऑफ ₹1,00,000 का, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ ₹50,00,000 का, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर यहाँ पे आपको मिलता है ₹25,00,000 रुपीज तक का। यहाँ पे आपको इस डेबिट कार्ड में लगभग सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते रहे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको मेंशन कर दूं कि ये जो बैंक आपको जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स देती है उन्हें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करोगे तो ही आपको ये इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप इनके पूरे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पेज क्लिक करके इनके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको पढ़ लो ताकि आप जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट्स है उनको आप अवेल कर पाओ। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए कोई आपको हाईफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको कोटक बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, बस आपको इतनी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद आप चाहो तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो बैंक के ब्रांच में भी विजिट करके वहां पर भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको ये कार्ड बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।